दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों मेरे पीछे जो चलते वीडियोज आप देख रहे हैं ये अपने चैनल के वीडियोज हैं संस्कृत ग्रामर और लिटरेचर संबंधित, यानी ये चैनल काफी रिच हो चुका है। अब जरूरत है आपके मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट्स की। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोक साहित्य के तहत महाकवि दंडी की। दंडी यानी कि ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य को बिल्कुल नए आयाम दिए, ठीक है ना। इन कवि के बारे में कभी इनके बारे में सवाल ज्यादा नहीं आते, लेकिन चार या पांच ही सवाल ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं। इन सवालों को आपको जरूर देख के जाना चाहिए। तो ये सवाल कौन से हैं, आइए इसको देखने के लिए चलते हैं क्लास रूम में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों देखेंगे महाकवि दंडी के बारे में, ठीक है ना। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो अपन ये चीज पढ़ रहे हैं ये सारी टोटल कंपटीशन अप्रोच पे पढ़ रहे हैं कि हमें क्या याद करना है। पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत है, किताबें बाजार में बहुत हैं, कोई सी किताब लो पढ़ो, लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी आप किताब भी पढ़ो तो इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज देखेंगे हम कवि दंडी के बारे में। इनके पिता का नाम था वीर दत्त, ठीक है ना। हर लाइन में सवाल देखो, पिता का नाम था वीर दत्त और माता का नाम था गौरी, है ना। गौरी माँ पार्वती का नाम भी है, लेकिन यहाँ दंडी की माता का नाम गौरी था। अच्छा, एक महाकवि भारवी के बारे में बता चुका हूँ सब कुछ डिटेल, पिछले वीडियो में आप देख लेना। तो ये जो दंडी थे महाकवि भारवी के प्रपौत्र थे, यानी कि उनके परपोते थे। तो भारवी कौन हुए, महाकवि दंडी के परदादा थे, ठीक है ना। तो भारवी और दंडी में दादा पोते का रिलेशन भी था। इनका समय जो है महाकवि दंडी का जो समय है वो है सातवीं सदी। सातवीं सदी में बहुत काव्य लिखा गया, बहुत कवि हुए हैं, तो मैक्सिमम सातवीं सदी में ही हुए हैं, ठीक है ना। फिर उस समय राजा थे विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन के ये सभा पंडित थे। कौन, महाकवि दंडी। इन्होंने कथा लिखी थी अवंती सुंदरी कथा, ठीक है ना। कहाँ लिखी, कांची नगरी में लिखी, है ना। यानी कि जो विष्णुवर्धन थे वो कांची नगरी उनके साम्राज्य का ही एक हिस्सा थी, तो अवंती सुंदरी कथा इन्होंने कांची नगरी में लिखी। अब दंडी के हम कृतित्व पे देखेंगे इन्होंने क्या क्या रचा। तो सबसे पहला इन्होंने रचा दश कुमार चरित, यानी कि दश राजकुमारों की और उसके जो महामंत्री थे उनके बच्चों की कथाओं का वर्णन है। फिर है अवंती सुंदरी कथा, जो कि मैं बता चुका हूं पर कांची नगरी में इन्होंने इसको लिखा था। तीसरा था काव्य आदर्श, है ना, तीसरा ग्रंथ है इनका काव्य आदर्श। चौथा है छंदो विचित, यानी इन्होंने छंदों का ज्ञान भी था, इन्होंने छंदों के बारे में भी लिखा है। फिर है कला परिच्छेद, फिर है द्विसंधान काव्य। ये जो काव्य रचे ये दंडी ने रचे, एक बार फिर बता रहा हूं, दश कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी कथा, काव्य आदर्श, छंदो विचित, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य महाकवि दंडी की जो है रचनाएं। महाकवि दंडी से संबंधित ये जो दश कुमार चरित है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, और इसमें से अक्सर जो है सवाल आते हैं। तो दश कुमार चरित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, दश कुमार चरित्र, ठीक है ना। यानी कि दश कुमारों की इसमें कथाओं का वर्णन है, कुल कुमारों की संख्या इसमें दस है, है ना। कुमार कितने हैं, दस। अब ये कैसे हैं, देखो इसमें क्या है, दश कुमार चरित्र के पहली बात तो तीन भाग है इसके, है ना। कितने भाग है इसके, तीन भाग है, दश कुमार चरित्र के तीन भाग है। अच्छा, और इसमें एक चीज आती है उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी कि अपन बोलते समय जो सांस लेते हैं उसको उच्छ्वास कहते हैं। तो इसमें जो उच्छ्वासों की संख्या है वो है आठ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने केवल आठ बड़ी सांस ली है, ऐसा नहीं है, लेकिन उच्छ्वास इसका विभाजन का तरीका है, उच्छ्वासों में विभक्त है ये, और उच्छ्वासों की संख्या आठ है। दश कुमार चरित्र में दश कुमारों का वर्णन है, तीन भाग है और इन तीन भागों में आठ उच्छ्वासों का जो है वर्णन किया गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं, एक तो है पूर्व पीढ़ी का, ठीक है ना, पूर्व पीढ़ी का। अच्छा, दूसरा है दश कुमार चरित्र, दश कुमार चरित्र, ठीक है। और तीसरा है, दो भाग हो गए जिसमें से दूसरे भाग का नाम दश कुमार चरित्र है, और इनका जो रचित ग्रंथ है उसका नाम भी दश कुमार चरित्र ही है। और तीसरा है उत्तर पीढ़ी का, ठीक है ना।
उत्तर पीठी का। तो तीन भाग कौन कौन दस कुमार चरित के, पूर्व पीठी का, दस कुमार चरित और उत्तर पीठी का, ये इसके तीन भाग हो गए। अच्छा, अब इसका उपजीव्य या इसका स्रोत ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, स्रोत ग्रंथ इसका कौन सा है? वो है बृहत कथा। ठीक है ना, स्रोत ग्रंथ इसका है बृहत कथा, यानी कि इसमें से जो कथा वस्तु ली गई है वो बृहत कथा में से ली गई। इसका आधार ग्रंथ जो है वो बृहत कथा है। दश कुमार चरित के तीन भाग हैं, पूर्व पीठी का, दश कुमार चरित और उत्तर पीठी का, और इसको आठ उपवासों में बांटा गया है। फिलहाल केवल एग्जाम की दृष्टि से चीज बता रहा हूं मैं, बाकी इसकी डिटेल्स भी एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब मैं इन ग्रंथों के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल एग्जाम की दृष्टि से केवल यही चीज ध्यान रख लेना, इनसे बाहर सवाल नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे और जो भी कमेंट में लिखेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपकी डिमांड क्या है और मैं उस पर नई नई वीडियोज आपको बना करके डाल सकूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इसमें एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो भी नई वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। तो दोस्तों ऐसे किसी वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।